अस्सलाम वालेकुम मैं यूट्यूब फैमिली, उम्मीद करती हूँ सब खैर खैरियत होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह से मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। जैसे कि अभी विंटर का सीज़न आने वाला है, तो उसके लिए मैं आप लोगों को कुछ स्किन केयर के प्रोडक्ट्स बताने लगी हूँ जो कि काफ़ी अच्छे हैं, काफ़ी इफेक्टिव हैं ऑल स्किन टाइप्स के लिए। आपके अगर ड्राई स्किन है, ऑयली स्किन है, एक्स्ट्रा ड्राई स्किन है, जो भी आपकी स्किन है, आप लोग इनको यूज़ कर सकते हैं, काफ़ी ज़्यादा इफेक्टिव होने वाले हैं आपके लिए। तो सबसे पहले हमारे पास है गार्नियर का रोज़ वाटर। जैसे कि आप लोगों को पता है कि रोज़ वाटर स्किन के लिए काफ़ी ज़्यादा इफेक्टिव होता है, चाहे विंटर है चाहे समर्स है, दोनों सीजन्स के लिए काफ़ी अच्छा रहता है रोज़ वाटर। रोज़ वाटर से आप लोग अपने फेस की अच्छे से क्लिनजिंग किया करें, ताकि सारा डस्ट सारी डर्ट जो है वो बाहर निकल जाए। दिन में एक दफ़ा लाजमी यूज़ किया करें, और कोई सी भी कंपनी या ब्रांड आप लोग यूज़ कर सकते हैं। देन मेरे पास लॉरियल पेरिस का जेल क्रीम वॉश, इसको आप लोग नाइट में यूज़ कर सकते हैं, डेली एक दफ़ा यूज़ किया करें। विंटर्स में स्किन काफ़ी ज़्यादा ड्राई डल हो जाती है, और उसको रिकवर करना मुश्किल भी हो जाता है, और जब स्किन ड्राई हो जाती है ना, वो काफ़ी ज़्यादा तकलीफ भी देती है। तो आप लोग जितना अपने स्किन का केयर कर सकते हैं उतना करें सर्दियों में, गर्मियों में भी करना चाहिए लेकिन सर्दियों में मस्ट करना है आप लोगों ने। जेल क्रीम वॉश यूज़ करने से आपकी स्किन बिल्कुल सॉफ्ट हो जाएगी, और एक्स्ट्रा डर्ट जो है वो साफ़ हो जाएगा आपका। इसके बाद मेरे पास है एलोवेरा क्रीम, इसको आप एक किस्म का मॉइस्चराइज़र कह सकते हैं। अगर आप लोग मेकअप कर रहे हैं, मेकअप करने से पहले इसको यूज़ कर लें, रात को सोने से पहले इसको यूज़ कर लें। इसको आप हाथों पर भी यूज़ कर सकते हैं, फेस पर भी यूज़ कर सकते हैं, अगर चाहें तो पाँव वगैरह पर भी यूज़ कर सकते हैं। सर्दियों में तो हमारी फुल बॉडी ड्राई हो जाती है, आप इनको आर्म्स पे, लेग्स पे, कहीं पे भी यूज़ कर सकते हैं इस एलोवेरा क्रीम को। एलोवेरा तो वैसे भी स्किन के लिए काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल होता है, ये क्रीम आप यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा अगर फ्रेश एलोवेरा आपके पास अवेलेबल है तो वो भी आप यूज़ कर सकते हैं, वो भी काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल होती है। इसके बाद मेरे पास है ये सिंपल का फेशियल स्क्रब। अगर आप लोगों को स्क्रबिंग करनी आती है फेस पे, या फेशियल करना आता है, तब आप लोग इस तरह के फेशियल स्क्रब यूज़ किया करें। अदरवाइज़ आप लोग अपने फेस पे इस तरह की चीज़ें मत ट्राई करें, क्योंकि इसके अंदर छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं जो कि आपकी स्किन को डैमेज कर सकते हैं। इस तरह के जितने भी फेशियल स्क्रब है ना, किसी भी कंपनी का आप ले लें, लेकिन आप लोगों ने वीक में एक या दो दफ़ा यूज़ करने से ज़्यादा अपने अपने फेस पर इस तरह की चीज़ें यूज़ नहीं करनी, इसलिए कि आपकी स्किन जो है वो डैमेज हो सकती है। द नेक्स्ट प्रोडक्ट विच आई हैव इज़ निविया सूथिंग मिसेलर वाटर। इस वाटर को हम यूज़ करते हैं एज ए मॉइस्चराइज़र अपने फेस पे, इसको हम मेकअप रिमूव करने के लिए भी यूज़ करते हैं, स्किन को क्लीन करने के लिए भी, क्लियर करने के लिए भी। इसके अलावा आप लोग इसको अपने फेस पे अप्लाई करके छोड़ दें, एज ए मॉइस्चराइज़र यूज़ करें, उसके बाद इसको अपने स्किन पर छोड़ दें कुछ देर के लिए, या फिर घंटों के लिए भी आप इसे छोड़ सकते हैं। इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं होता, ये बिल्कुल एक वाटर की तरह है, और आपकी स्किन को बिल्कुल सॉफ्ट कर देता है। इसको लेडीज़ भी यूज़ कर सकते हैं, जेंट्स भी यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट प्रोडक्ट अगेन मेरे पास निविया की है, ये है डे क्रीम। इसको आप लोग डे में यूज़ कर सकते हैं, डे में अप्लाई करें, नाइट तक बेशक रह जाए कोई मसला नहीं है। हैंड्स पे, फीट्स पे, आर्म्स पे, लेग्स पे, जहाँ पे भी आप यूज़ करना चाहते हैं इसको यूज़ कर सकते हैं। इसका कोई भी ये इशू नहीं है कि अगर रात तक ये लगी रहे तो इसका कोई साइड इफ़ेक्ट होगा, ऐसा कोई इशू नहीं है इसका। अगर आप लोग हाथों पर इसको अप्लाई कर रहे हैं तो हाथ अपने वॉश कर दिए, अगेन एंड अगेन आप इसे अप्लाई कर सकते हैं डे में। जैसे कि हम लोग सनब्लॉक को अप्लाई करते हैं फेस पे, इस तरीके से आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। सो ये है डे क्रीम। देन नेक्स्ट मेरे पास है क्लीन क्लियर का एक्सफोलिएटिंग वॉश। ये फेस वॉश आप लोग गर्मियों में भी यूज़ कर सकते हैं, सर्दियों में भी, दिन में एक दो तीन दफ़ा, जितनी दफ़ा आप यूज़ करना चाहें कर सकते हैं, और इसका कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं है। ये आपकी डेड स्किन को रिमूव करेगा। इसके अलावा आप एक्सेस ऑयल, जैसे गर्मियों में बहुत ज़्यादा ऑयली हो जाता है फेस, जिनकी ऑयली स्किन है, जैसे मेरी भी ऑयली स्किन है, तो मेरा फेस जो है वो गर्मियों में बहुत ज़्यादा ऑयली ऑयली हो जाता है, सो के उठें या फिर कोई काम वगैरह करें पसीने के साथ साथ जो है वो फेस ऑयली भी हो जाता है, तो उस ऑयल को ये रिमूव करता है। इसके अलावा पसीने को बहुत रिड्यूस करता है, जैसे कि हमें बहुत ज़्यादा पसीना आ रहा होता है तो उसको ख़त्म करता है। आप किसी भी कंपनी का, किसी भी ब्रांड का एक्सफोलिएटिंग वॉश यूज़ करेंगे तो आपको रिज़ल्ट फ़ौरन से मिलेंगे। इसके बाद मेरे पास है टी ट्री एसेंशियल ऑयल। आपको जैसे कि पता होगा कि टी ट्री की सारी प्रोडक्ट्स, चाहे वो ऑयल है, चाहे वो फेस वॉश है, चाहे वो स्क्रब है, सारी चीज़ें बहुत अच्छी होती हैं, आपकी स्किन के लिए बहुत ज़्यादा इफेक्टिव होती हैं। तो आप इसको भी यूज़ कर सकते हैं, एज ए सीरम यूज़ कर सकते हैं। अगर आपके फेस पे एक्नी है, या फिर एक्नी के बाद जो एक्नी स्कार्स बन जाते हैं, तो उसके लिए काफ़ी ज़्यादा इफेक्टिव है। आप इसको दोनों सीजन्स में यूज़ कर सकते हैं, फेस के लिए, हैंड के लिए, फीट के लिए, हर एक चीज़ के लिए मैंने आप लोगों को चीज़ें बता दी हैं। लेकिन ब्लैक हेड्स भी तो हमारी जान नहीं छोड़ते, ब्लैक हेड्स चाहे गर्मी हो चाहे सर्दी हो, वो हो ही जाते हैं। जिन लोगों को ज़्यादा ब्लैक हेड्स होते हैं, वो ब्लैक हेड्स के लिए फाइटिंग स्क्रब कोई सा भी यूज़ कर सकते हैं। इससे पहले मैंने एक वीडियो बनाई थी, उसमें मैंने आप लोगों को एक और ब्लैक हेड स्क्रब बताया था, आप लोग अगर वो यूज़ करना चाहते हैं वो भी कर सकते हैं, वो भी काफ़ी अच्छा है, ये भी काफ़ी अच्छा है, कोई सा भी आप यूज़ कर सकते हैं, या फिर कोई सा भी आप लोगों को ईजीली जो अवेलेबल हो सकता है वो आप लोग यूज़ कर सकते हैं। लेकिन इसके बाद मेरे पास अगेन टी जोन कंपनी की प्रोडक्ट है, और ये है पोर क्लीनिंग फेशियल वॉश। फेशियल करने के बाद आप इससे अपना फेस वॉश कर सकते हैं, इससे आपके जितने भी एक्स्ट्रा डर्ट वगैरह सारा कुछ क्लीन हो जाएगा। जितनी मैंने प्रोडक्ट्स बताई हैं वो सारी आपके फेस को क्लीन करने के लिए, आपके पोर्स को क्लीन करने के लिए, डर्ट को निकालने के लिए, आपकी स्किन को स्मूथ करने के लिए, और इसी चीज़ों के लिए है। लेकिन आपने इस चीज़ का ध्यान रखना है कि आप जो भी प्रोडक्ट यूज़ कर रहे हैं उससे आपकी स्किन ड्राई नहीं होनी चाहिए, क्योंकि स्किन ड्राई होती है तो उसके बाद वो बहुत ज़्यादा दर्द करती है,
उसके बाद मेरे पास टी ट्री फेशियल स्क्रब है, ये आप लोगों को पहले मैंने दिखाया था, अगेन आज दिखा रही हूँ। ये भी काफ़ी अच्छा, आप इसको भी यूज़ कर सकते हैं। आई होप सो आपको आज की वीडियो से कुछ ना कुछ सीखने को मिला होगा। अगर सीखने को मिला है तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं फिर आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। बाय बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।